स्विगी डायरेक्टली फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी ग्रो ऑर्गेनिकली ग्रो कैसे किया जाता है और इसके लिए हमारे साथ हैं दीपक मालूज नो प्रमु मोर पार्टिसिपेंट फ्रॉन दूट्यूब साइड मे बी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन स्विगी में दो तीन चीज देखते हैं ऑन द सप्लाई साइड Uh, जब मैं यहाँ पे सप्लाई बोलता हूँ तो इसका मतलब है हमारे पूरी की पूरी रेस्टोर पार्टनर की जो कम्युनिटी है जो हमारे साथ काम करते हैं डे इन डे आउट यू नो जो खाना बनाते हैं ताकि हमारे कस्टमर्स को वो खाना पहुँच सके uh, उ, उनके लिए हम तीन चीज़ें देखते हैं एक तो हम ये देखते हैं कि हम उनको ग्रो कैसे करवा सकें ताकि जैसे जैसे वो ग्रो कर रहे हैं हम भी साथ में ग्रो करें uh, दूसरा चीज़ हम लोग जो देखते हैं वो है एक्सपीरियंस साइड uh, तो सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं उनको क्या क्या तकलीफें आ रही हैं वो उनको क्या क्या चीजें अच्छी लग रही हैं जिनको हमको और करना चाहिए आ, ये दूसरी चीज देखते हैं और तीसरा इन जनरल हम लोग देखते हैं कि हर सिटी हर जोन में आ, हमारे कस्टमर्स को सर्व करने के लिए आ, हर क्विजीन में इनाफ नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं या नहीं राइट क्योंकि कस्टमर्स भी ये देखते हैं कि अगर आज अगर मुझे साउथ इंडियन खाना है तो मुझे दस ऑप्शन मिलने चाहिए जहाँ से मैं चूज कर सकूँ और उससे रिलेटेड उनके मेन्यूज भी अच्छे होने चाहिए क्योंकि आप अगर आ, देखोगे तो आपके ब्रांड के लिए मेन्यू ही आपका आपकी पहचान है राइट जब आप एक कस्टमर जाता है तो पहले तो एक छोटा सा आइकन दिखता है कि ये है रेस्टोरेंट का नाम ये ये सर्व करते हैं बट फाइनली जब वो आपके मेन्यू पे लैंड करते हैं वही आपकी ब्रांड आइडेंटिटी वही आपका ब्रांड पेज हुआ hmm. तो ये तीनों चीजें मैं स्विगी पे देखता हूं अलॉन्ग विद माई टीम जो यहाँ पे प्रेजेंट है दिव्या श्रीकांत और प्रतीक हम्म, hmm. awesome. Again, uh, I totally get it and thank you so much. I think इसे best topic नहीं हो सकता था, because the starting point is menu. Once we really want to grow organically और अगर आपने सही चीजें सही तरीके से position करके सही तरीके से present किए तो chances बहुत हाई हैं. क्या इनिशियली uh, ग्रो कर पाए एंड ऑल पे जाएं। so, organically, समझते हैं रुपए खर्चा किए कैसे पे ग्रो कर सकते हैं तो uh, uh, yes. so, yeah. right. so, uh, पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक शब्द से ही राइट right? जैसे आपने बोला बिना एक रुपया खर्चे राइट तो आई थिंक जब आप एक पार्टनर एक रेस्टोरेंट का बिजनेस देखेंगे तो दो तरीके से आप कस्टमर्स ला सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो कस्टमर आपसे फाइनली ऑर्डर करें तो कस्टमर लाने के लिए ऑब्वियसली आपको स्विगी पे लाइव होना जरूरी है जब एक कस्टमर ऐप खोलता है तो सारे के सारे रेस्टोरेंट्स दिखते हैं तो ऑर्गेनिक वो शब्द हुआ कि हम बिना पैसे खर्चा किए क्या कर सकते हैं राइट तो दो तरीके से ऑर्गेनिक जो है रीच और जो कन्वर्जन होता है कस्टमर का वो बिल्डअप होता है एक अगर आप अच्छी सर्विस देंगे आपका खाना अच्छा होगा आप सही टाइम पे खाना प्रिपेयर करेंगे ताकि कस्टमर के लिए जो डिलीवरी टाइम है वो भी कम दिखे राइट और फिर जब वो खाना एक्सपीरियंस करे आपका तो आपकी अच्छी रेटिंग दे तो इन सबसे ऑर्गेनिक आपका शुरू होता है तो सबसे पहला ये चीज़ होता है कि जब आप स्विगी पे आ रहे हो तो आपको जल्दी से जल्दी ऑर्डर लाने हैं ताकि आपको एक रेटिंग मिले और वो रेटिंग अच्छी हो राइट तो और उससे जितनी अच्छी रेटिंग होगी वो बढ़ता जाता है राइट तो अगर आपकी रेटिंग मान लीजिए चार है पाँच पे तो आपको और ऑर्डर दाते रहेंगे क्योंकि और जो नए कस्टमर आएंगे वो देखेंगे कि बाकी कस्टमर्स ने आपको क्या रेट करा है आपको ट्रस्ट करेंगे और और ऑर्डर करेंगे एंड दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है ऑर्गेनिक ग्रोथ का वो है मेन्यू और मैं ये बता नहीं सकता कितना इम्पोम्पॉर्टेंट हमने देखा है ये पूरा का पूरा मेन्यू का जर्नी तो अगर आप एक कस्टमर को देखेंगे स्विगी पे उसका टिपिकल बिहेवियर एवरेज बिहेवियर मैं बताता हूँ वो दो से तीन मेन्यू चेकआउट करता है वो आता है

वो करने के लिए आपका जो मेन्यू का क्वालिटी है वो बहुत अच्छा होना चाहिए तो इस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं विदिन ऑर्गेनिक जो हम बोल रहे हैं ऑर्गेनिक के और भी और बहुत तरीके होते हैं बट आज हम मेन्यू uh, की बात कर रहे हैं कि वो अगर अच्छा होगा तो कस्टमर्स कैसे कन्वर्ट करेंगे आपके लिए लवली लवली एंड थैंक यू फॉर फॉर दैट एंड गाइस जो लोग देख रहे हैं अगेन जूम पे भी हम कर रहे हैं उसको टेलीकास्ट कर रहे हैं यूट्यूब फेसबुक पे तो अगर देख रहे हो तो लाइक like, शेयर uh, कर देना जो रेलिवेंट लोग हैं उन तक पहुंचे ये वीडियो और आप लोग के लिए लास्ट में एक गिफ्ट भी दूंगा मैं सो so, दीपक जी जो प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे जो एक्सप्लेन करेंगे जो एनेटिक्स दिखाएंगे पहले देख लेना सुन लेना टेक एज मेनी नोट एज पॉसिबल और लास्ट में देर विल बी अ सरप्राइज फॉर यू गाइज विच विल बी

कि अगर आप आ, मेन्यू देख रहे हो तो क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है मेन्यू के लिए आप सुन पा रहे हैं ना बिल्कुल एकदम uh, क्लियर आवाज आ रही है डोंट वरी या वी ऑल ऑडियो सेटिंग्स बिफोर अगर अपना इंटरनेट हेडफोन चेक कर हाँ yeah, दीपक जी प्लीज एक काम करते हैं हम लोग दो एग्जाम्पल लेते हैं मेन्यू के श्रीकांत जस्ट ब्रिंग अप द फर्स्ट एग्जाम्पल अच्छा मैं भी आप लोग के साथ यहां पे रहूंगा तो मैं भी सीख रहा राइट uh, right? तो मैं होप कर रहा हूं आप सब कोई देख पा रहे हैं example, Perfect. Right? Perfect. तो हमने yeah. दो रेस्टोरेंट्स के एग्जांपल निकाले हैं राइट right? और ये थोड़े एक्सट्रीम है ऐसा नहीं है कि कोई रेस्टोरेंट ऐसा है और दूसरा रेस्टोरेंट बिल्कुल सारे रेस्टोर बिल्कुल वैसे होने चाहिए बट हमने थोड़ा एक्सट्रीम निकाले हैं ये इलास्ट्रेट करने के लिए मेन्यू का कितना अंतर पड़ सकता है तो पहला ये रेस्टोरेंट देखिए ये बस दो कैटेगरी सर्व कर रहे हैं ये कर रहे हैं ब्रेड और करी और इनके मात्र चार आइटम है मेन्यू पे राइट तो ये एक टाइप का एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है बाय द वे एक रियल एग्जाम्पल था जो स्विगी पे है राइट और ऑब्वियसली इस पे कुछ भी कन्वर्जन नहीं आता है कस्टमर का राइट right? क्योंकि चार आइटम से आपको चूज करना है मतलब मेरे पास चॉइस ही नहीं है अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं रेस्टोरेंट नंबर टू हाँ तो अब ये वाला रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल देखिए यहां पे मल्टीपल कैटेगरीज हैं राइट आपको हर कैटेगरी अगेंस्ट कितने आइटम है वो दिख रहे हैं आप जब इनके डिश पे देखेंगे तो हर डिश पे एक अच्छी फोटो दिख रही है डिश uh, का नाम बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है hmm. उसमें ये भी लिखा हुआ है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर मैं बिरयानी ऑर्डर कर रहा हूं तो वो बोनलेस है या विद बोन है hmm. कितने लोगों को सर्व surf करेगी वन लिखा है राइट right? अः uh, और उसके नीचे आपको एक लंबा सा डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा कि ये कितने लोगों को सर्व करता है राइट right? इसमें क्या क्या आता है तो ये uh, एक डिश का एक एग्जाम्पल देखिए इमेजेस है डिस्क्रिप्शन है और फिर अगर आप इस पे एड पे क्लिक करेंगे तो ये एक तीसरा स्क्रीन खुल जाता है जो एड ऑन लिखा है हमने उसमें इस बिरयानी के साथ वो मल्टीपल चीजें ऐड करने की ऑप्शन दे रहे हैं राइट जैसे आप ग्रेवी ऐड कर सकते हो रायता ऐड कर सकते हो right. आपको कोई डेजर्ट भी ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो ठीक है तो ये दो एक्सट्रीम एग्जांपल्स मैं दिखाना चाहता था जो ये स्विगी के एक्चुअल रेस्टोरेंट से है राइट अब ये जो दूसरा रेस्टोरेंट है दिस इज समथिंग जो कस्टमर लव करते हैं अगर कस्टमर इस पर लैंड करता है तो बहुत ही हाई चांसेस होते हैं कि वो कुछ ऑर्डर करके ही निकल रहे हैं यहाँ से राइट right? uh, आगे जाओ जस्ट जस्ट गो एट श्रीकांत एंड दिस इज वट आई वॉन्टेड टू कॉल आउट पहला रेस्टोरेंट में क्या क्या नहीं था एंड एंड आई विल इनवाइट डॉक्टर अभिनव टू ऑल्सो कमेंट राइट एज अ कंज्यूमर क्योंकि आप भी स्विगी पे ऑर्डर करते होंगे तो देखिए इनमें कैटेगरीज ही नहीं है राइट right? hmm. जो थोड़े बहुत चीजें सर्व भी कर रहे हैं उनमें इमेजेस नहीं है Uh, इन्होंने कोई कॉम्बोज ऑफर नहीं किए हैं कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं लिखा है कि वो पराठा कितना मतलब कितने पराठे आ रहे हैं राइट right? करी में क्या है स्पाइसी है नहीं है अब दूसरा एक एक्सट्रीम पे जाते हैं जो रेस्टोरेंट नंबर टू है या yeah. एंड इसमें देखिए सब कुछ है राइट right? यहाँ पे सारी कैटेगरीज हैं जो आइटम कस्टमर को खाने हैं वो हैं इमेजेस हैं डिस्क्रिप्शन हैं कॉम्बोज तक हैं क्योंकि कस्टमर्स को कॉम्बोज में वैल्यू बहुत समझ में आती है कि अगर मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड मंगा लूँ तो मेरा ओवरऑल खर्चा वो तीनों अलग अलग मंगाने से कम पड़ेगा राइट right? सब कुछ प्रॉपरली नेम्ड है तो मैं ये एक्चुअली यहां से स्टार्ट करना चाहता था कि बहुत ही बेसिक चीज है आपको लगेगा कि हाँ ये सब तो होना ही चाहिए बट आप सरप्राइज हो गए कि कितने रेस्टोरेंट पार्टनर्स हमारे ये इग्नोर कर देते हैं राइट बिफोर आई आई गो बैक टू यू डॉक्टर अभिनव फॉर एनी क्वेश्चन सिर्फ दो चार पांच आइटम्स ही रख देते हैं जो की बहुत ज्यादा कम वेरायटी हो जाती है लाइक like डिशेज की कोई वेरायटी नहीं एडवांस मिलाकर दो चार पांच मेन्यू आइटम्स एंड लाइक गुड मिक्स इज वेरी इम्पोर्टेंट सो या तो मैं मैं दो 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 काइंड ऑफ एग्जांपल बताना चाहूंगा राइट अब आप मान लीजिए कस्टमर आपके आप डाइन इन आउटलेट हो तो कस्टमर आपके यहाँ आके खाते हैं राइट तो अब कस्टमर जब आ रहा है तो जनरली क्या पूछते हैं जब कोई नया कस्टमर आता है कि यहाँ पे सही क्या है यहाँ पे अच्छा क्या मिलेगा राइट आपसे वो थोड़ा सा सलाह मशवरा भी करते हैं कि यार ये वाले में अगर आप पीनट्स एड कर रहे हो तो मैं एलर्जिक हूँ तो बता दो मुझे ये है या नहीं या फिर वो पूछते हैं कि अच्छा मैंने अब मेन कोर्स खा लिया डेजर्ट में क्या है राइट hmm. यही आप जितना हो सके अगर आप स्विगी ऐप पे रेप्लीकेट कर सको ना hmm. वो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट एक्सपीरियंस तो हम इमेजेस क्यों डाल रहे हैं राइट hmm. क्योंकि जब कस्टमर आपके उस पे आता है रेस्टोरेंट पे आता है राइट तो या तो वो किसी पास वाली टेबल पे देख सकता है कि ये बिरयानी अच्छी लग रही है तो वो रेटर रे को बोलता है कि आप मेरे लिए ये वाली ले आओ या फिर आपके मेन्यू में ही इमेजेस रहते हैं राइट तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाता है या फिर वो आपके वेटर से पूछ लेता है कि ये बताओ कि इसमें कितना पोर्शन आएगा ये एक पर्सन के लिए या दो पर्सन के लिए बट जब वो ऐप पे आता है तो आपका कोई बंदा उनसे बात नहीं कर सकता राइट right? hmm. तो इसीलिए ये मेन्यू की क्वालिटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इमेजेस बताओ डिस्क्रिप्शन बताओ ताकि कस्टमर जो एक आपके आउटलेट पे जाता और खाता राइट एंड इन दिस केस हमारे पास क्लाउड किचन पार्टनर्स है तो वैसा सिचुएशन नहीं है बट कस्टमर का दिमाग वैसा ही है कि यार hmm. मुझे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाए ताकि मैं कोई गलत चीज ना ऑर्डर कर सकूँ क्योंकि मेरा बाद में एक्सपीरियंस खराब होगा Hmm. तो मैं तो पहला एक ये चीज बोलना चाहूंगा दूसरा आपने जो अभी बोला आई थिंक आपने सही चीज बोली है कि बहुत कम भी खराब है और बहुत ज्यादा भी खराब है राइट right. तो इसमें मैं एक एग्जाम्पल लूंगा आप एक स्टोर पे जाइए राइट और ये एकदम एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो रिटेल जो आप एक कपड़े की दुकान पे जाते हैं वहां से यहां ट्रांसलेट होता है अगर आप एक कपड़े की दुकान में जा रहे हो और शर्ट खरीदने जा रहे हो आपके पास अगर व्हाइट शर्ट नहीं है ना तो काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि एक बंदा जो जा रहा है वो बोलेगा यार यहां पे मैं कुछ भी शॉपिंग नहीं करूंगा तो इन ये होती है मस्ट हैव कैटेगरी तो अगर आप बिरयानी बेच रहे हो राइट right? तो बिरयानी तो ऑब्वियसली मस्ट हैव कैटेगरी है बट बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी सोचते हैं कि यार बिरयानी के साथ अगर मुझे सालन एड ऑन करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है अगर आप अपने डिश में नहीं दे रहे हो तो वो उनके लिए वो हो जाता है कि यार नहीं यार मुझे सालन और रायता तो चाहिए था या फिर आप मान लीजिए कस्टमर्स बहुत सारे होते हैं जो बोलते हैं मुझे साथ में कोक पेप्सी ऑर्डर करनी है या कोई ड्रिंक ऑर्डर करनी है तो एट टाइम्स आपका मेन्यू अगर बहुत ही छोटा और रिस्ट्रिक्टेड है तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कस्टमर बोलता है कि फिर मैं कहीं और से मंगा लूंगा क्योंकि मैं कोक अलग से क्यों मंगवाऊ राइट तो आई थिंक जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि इतने कम भी नहीं होने चाहिए कि कस्टमर को लगे कि यार जो मुझे बेसिक चीजें चाहिए थी वो भी नहीं मिल रही बट आप इतना ज्यादा भी ना कर दो आप तीन सौ चार सौ पांच सौ आइटम ना डाल दो क्योंकि फिर उससे ना कस्टमर का मेंटल ओवरलोड हो जाता है कि भाई मैं स्क्रोल किए जा रहा हूं बट अब मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा राइट और hmm. आपके लिए भी वो नुकसानदायक होगा क्योंकि आपके 200 अगर आइटम होंगे तो आपकी मेजोरिटी hmm. बाकी आपके सौ आइटम से सेल नहीं आ रही बट आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हो आप उसको बना उसका वेस्टेज भी हो रहा होगा आप उस पर मैन पावर भी लगा रहे हो उनको बनाने के रेडी रखने के लिए बट उनसे सेल नहीं आ रही है तो आई थिंक मिडल ग्राउंड एक रीच करना बहुत जरूरी है तो uh, मैं सीधा जंप करूं हमारे जो डैशबोर्ड ऑफरिंग है उस पर या फिर इन बिटवीन एनी अदर डाउट्स न गो ऑन दैट एक काम करते हैं उससे पहले एक छोटा सा पोल मैं लॉन्च कर रहा हूँ अगेन यूट्यूब या अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखेगा बट आप मुझे बताएं कि आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं सेशन तो क्लिक येस ऑलरेडी आपने पहले सेशन अटेंड कर रखा है तो सेकंड ऑप्शन कम्युनिटी के मेंबर है तो थर्ड ऑप्शन प्लेटफॉर्म में तो फोर्थ ऑप्शनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ओके सो ये मैं देख रहा हूँ मेजरिटी ऑफ पीपल आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सो वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन और अगर आप कंफ्यूज हो कि क्या चल रहा है या थोड़ा लेट ज्वाइन किए थे तो लेट मी टेल यू दिस इज अ वेरी स्पेशल सेशन जिसमें स्विगी के एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ दीपक मालू जी एवीपी ऑफ सप्लाई एट स्विगी जो आज हेल्प कर रहे हैं कि कैसे हम इसको ऑर्गेनिकली ग्रो करें अपने बिजनेस को स्विगी पे ओके okay? और उसमें हम मेन्यू को फोकस कर रहे हैं क्योंकि दैट द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड फोकस ऑन राइट सो आई कैन सी फोर्टी सिक्स परसेंट लगभग मुझको नए लोग दिख रहे हैं awesome. सो so, मैं एंड कर रहा हूं पोल और लास्ट तक रुकना क्योंकि लास्ट में आई हैव सम गिफ्ट को कोई आइडिया नहीं है क्या चल रहा है सुन लो लो अटेंड कर में आई टेल यू कि और कैसे आप हेल्प ले सकते हो इस चीज के लिए नो कि आपकी काफी ऑडियंस यहां पे क्लाउड किचन पार्टनर आई वु डबली ट्रिपली इंपॉर्टेंट हो जाता है मेन्यू अच्छा रखना राइट right? क्योंकि अब मान लीजिए डोमिनोज ले लीजिए बड़ा ब्रांड है मैं जाके पहले वहां पे खा चुका हूँ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ बट जब आप क्लाउड किचन फॉर्मेट में ऑपरेट करते हैं तो ऐसी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है जहां पे मैं आपको आपका जाके खाना एक्सपीरियंस कर सकू राइट तो डबली ट्रिपली इंपॉर्टेंट है कि आप मेन्यू पे वो सारी इन्फॉर्मेशन दें जिससे कस्टमर कन्विंस हो कि हाँ यार यहाँ से ऑर्डर करना चाहिए एंड इवन जो रिपीट कस्टमर आते हैं उनको लगे कि हाँ मैंने यहाँ से पहले से ऑर्डर किया था जो मुझे दिखाया था वही मिला Uh, hmm. और मैं कॉन्फिडेंट हूँ अब वापस यहाँ पे ऑर्डर uh, करने के लिए राइट right. ठीक है तो uh, अब थोड़ा सा डेटा साइड में जाते हैं राइट yeah. uh, क्योंकि आई थिंक आपके कुछ सवाल इस पे भी आए थे कि मैं कैसे मेन्यू के बारे में सोचूं ये सवाल hmm. भी है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए मेन्यू में, में राइट hmm. तो यही बहुत सारे सवाल जो हैं वो हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर्स भी हमसे पूछते रहते हैं राइट hmm. और uh, हमें ये रियलाइज हुआ कि हम एक कॉन्वर्सेशन में एक बात करते समय हम तीन चार चीज बात करते हैं तीन चार चीज भूल भी सकते हैं राइट बट अगर आपके सामने एक डैशबोर्ड रहेगा फुल्ली आपके सामने डेटा रहेगा तो वो आप कभी भी आप देख सकते हो तो मैं एक एग्जाम्पल एक्चुअली एग्जाम्पल नहीं है एक लाइव डैशबोर्ड है जो हमने अपने पार्टनर्स के लिए बनाया है वो मैं आपको दिखाता हूं देट विल बी लवली ठीक है तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा इस डैशबोर्ड में दो टैब्स हैं श्रीकांत शो द्रांड एंडस्टोरेंट ट्रैंड आपको दो टैब्स मिलेंगे जिसमें सबसे पहले मैं बोल रहा हूं ब्रांड मेन्यू हेल्थ समरी और दूसरा वाला है जो रेस्ट्रॉ लेवल मेन्यू समरी है राइट एंड उसके नीचे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन वाली है कि इसको यूज कैसे करते हैं ग्लोसरी मतलब सारे टर्म्स का मीनिंग क्या है राइट तो right. so, ब्रांड मेन्यू हेल्थ समरी क्या है और ये हमने एक uh,

Uh, में है राइट right? तो ये एक मल्टी सिटी मल्टी आउटलेट ब्रांड है uh, थोड़ा सा ऊपर जस्ट अप श्रीकांत द सिटी एंड रेस्टोरेंट व्यूज रेस्ट्रूज हाँ तो देखिए जैसे हैदराबाद रायपुर चेन्नई त्रिची इन सब जगह इनके आउटलेट्स हैं और मैंने हर आउटलेट का इनको इंफॉर्मेशन दे दिया है ओपीडी होता है ऑर्डर्स पर डे एओवी होता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू रेवेन्यू रेवेन्यूज आपको टोटल ये दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम आपको दिख रहा होगा एम टू सी उसका मतलब, मतलब यह है कि अगर सौ लोग आपका मेन्यू देखते हैं से कितने तक पहुंचते हैं, तो वो बोलते हैं हम उसको तो इस रेस्टोरेंट का आप देखिएगा कि फोर्टी परसेंट जो बहुत अच्छा है सौ कस्टमर right. तो आए चालीस कार्ट तक पहुंचे विच मीन आपका मेन्यू इतना कन्विंसिंग था कि वो नेक्स्ट स्टेप पे गए हैं Right. Hmm. तो वो अब हमने हर आउटलेट के लिए दिखा दिया अगर इस ब्रांड को देखना होगा तो वो बोलेगा कि ताराबाई कोलापुर में मेरा जो आउटलेट है उसका है उसको बेटर कर सकते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन भी हम दे रहे हैं कि हो सकता है आपके सारे आउटलेट इतने अच्छे ना हो कुछ कुछ में आपको और काम करने की जरूरत है राइट तो ये हम पहले दिखाते हैं फिर नीचे जाइए हाँ फिर हम लोग ये भी बताते हैं कि हर आउटलेट का आपका मेन्यू स्कोर क्या है ये अगेन सौ में निकला है तो अगर आपका ओवरऑल एट्टी वन है तो हर आउटलेट का कितना है तो कुछ आउटलेट एट्टी थी है कुछ का नाइनटी है और हम ये भी बताते हैं कि, कि कितने रेस्टोरेंट हैं आपके एरिया में जिनका स्कोर बेटर है विच मीन्स आपका जो कॉम्पिटिशन सेट है वो आपसे कितना बेटर कर रहा है राइट ताकि आपको ये भी पता चले कि यार कहाँ कहाँ मुझे और बेटर करना है अपने कस्टमर्स को जीतने के लिए राइट तो जहां पे साठ है वो एक्चुअली आपके लिए थोड़ा खराब है कि साठ परसेंट रेस्टोरेंट जो आपका कंपटीशन आपके ही एरिया में बैठा है वो hmm. आपसे बेटर है तो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा राइट hmm. बट कहीं पे जैसे आठ परसेंट है तो मतलब आप टॉप नाइन टू परसेंट में आ जाते hmm. तो यहां पे कम काम करना है आपको फिर right. एकदम नीचे जाइए तो तो ये तो हो गई स्कोर और बताना कि आप कैसा कर रहे हो फिर हम लोग हर आउटलेट के लिए बताते हैं कि आपको क्या करना है स्कोर को बेटर करने के लिए राइट तो मैं एक एग्जाम्पल लूंगा ये हिमायत नगर का आउटलेट जो हैदराबाद में है यहाँ पे इनके आउटलेट में एड ऑन नहीं है और इनफ इमेजेस और आइटम नहीं है राइट right? जिसकी वजह से इनका स्कोर कम रहता है और हम ये बताते हैं कि अगर आप ये सब कर लो जो रिकमेंडेशन अभी मैं बताऊंगा अगर आप ये सब कर लो तो आपका स्कोर कितना बढ़ जाएगा राइट right? uh, तो वो फोर्टी वन बढ़ जाएगा और आप चार प्रतिशत ज्यादा कस्टमर कन्वर्ट कर पाओगे तो आज अगर मान लो आप सौ में से चालीस कस्टमर कन्वर्ट कर पाते हो तो ये सारे अगर आपने चीजें कर दी तो आप चवालीस कर पाओगे कन्वर्ट तो आपके ऑर्डर भी बढ़ेंगे आपका बिजनेस पूरा बढ़ेगा तो ये हम बताते हैं इसके बाद अगर आपको जाना है कि हर आउटलेट के लिए मैं डिटेल में देख लू क्योंकि अभी तो मैंने बस बताया कि कितने मतलब आप एड ऑन एड कर लो इमेजेस कर लो आइटम कर लो इससे तो आपका पूरा काम बनेगा नहीं कि यार कौन से एड ऑन कौन से आइटम तो मैं अब जाता हूँ उसके डिटेल्स में तो क्लिक करके एक रेस्टोर के लिए जाते हैं एक आउटलेट के लिए ओके okay. हाँ। तो अब यहाँ पे आई थिंक दो टाइप की ऑडियंस होंगी जिनके एक ही आउटलेट है और कुछ लोगों ने एक्सपैंड करके मल्टीपल आउटलेट्स कर लिए होंगे अगर आप एक आउटलेट वाले हो तो आपको यही एक पेज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप मल्टीपल आउटलेट्स हो तो आपको एक आउटलेट सेलेक्ट करना है अपना और फिर उसकी डिटेलिंग पे काम करना है राइट कुछ चीजें जो आप करोगे वो आप पूरे ब्रांड के लिए कर दोगे हो सकता है कि अगर आप एक साउथ इंडियन प्लेयर हो राइट और आपके पास माइसो मसाला डोसा नहीं है तो आप जब इंट्रोड्यूस करोगे तो हो सकता है सारे आउटलेट में कर लो तो वो आपको रिकमेंडेशन हर आउटलेट के लिए दिखेगा और कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि आपको खाली एक ही आउटलेट में करना है कि यार

सारे कैटेगरीज हैं यानी मेरे पास तो अगर मैं एक बिरयानी प्लेयर की बात कर लूँ तो एक बिरयानी आ जाएगा उसमें हो सकता है चिकन स्टार्टर एक और कैटेगरी है फिर डेजर्ट्स कैटेगरी है बेवरेजेस कैटेगरी है तो इनका स्कोर ठीक है बहुत खराब भी नहीं है पर बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है तो कैटेगरी सेवेंटी एट है आइटम है नाइन्टी फाइव विच मीन जो कैटेगरीज इन्होंने रखी है उनमें सारे आइटम जो कस्टमर को चाहिए हैं वो है जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं शर्ट्स खरीदने जाऊँ और व्हाइट शर्ट नहीं है तो प्रॉब्लम है तो इन्होंने एटलीस्ट वो मिस्टेक नहीं करी है देग कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम छोड़ दिए फिर आता है इमेजेस एंड डिस्क्रिप्शन यहाँ आउट ऑफ हंड्रेड एंड आउट ऑफ थर्टीड तो इसमें मैं बाद में बताऊंगा कि कौन से आइटम पे इमेजेस होनी चाहिए थी बट नहीं है इसकी वजह से कस्टमर श्योर नहीं हो पा रहा है ऑर्डर करने के लिए इनका एड ऑन स्कोर बहुत खराब है विच मीन्स आप बिरयानी अगर बेच रहे हो तो सालन रायता वगैरह वगैरह कस्टमर को चाहिए होता है बट आप नहीं दे रहे हो ठीक है और ये जो सब कुछ कंप्यूटेड है ये आपके ही एरिया के कस्टमर्स की प्रेफरेंस के हिसाब से कंप्यूटेड है ये ऐसा नहीं है कि हमने देख लिया कि भारत में कोई भी एवरेज कंज्यूमर क्या खाएगा हम बोल रहे हैं कि अगर आप चेन्नई के एक एरिया में बैठे हो मुगई पर में तो आपको यहां के कंज्यूमर के लिए ये ये डालना चाहिए और इन्होंने एडॉन डाले नहीं है ठीक है hmm. अब और नीचे जाते हैं so how many

एंड में जो हमने किया है ना वो हम हमने आपको एकदम ही सिंपल सेट ऑफ रिकमेंडेशन दे दिए डायरेक्ट मुद्दे पे बात करते हैं बिजनेस hmm. की बात करते हैं राइट इफ यू गो डाउन नीचे जाइए yes. थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा ऊपर जहां पे वी कैन सी कैटेगरीज नीडेड एंड कैटेगरीज हैव थोड़ा सा ऊपर श्रीकांत हाँ जी तो ये एक स्वीट्स प्लेयर है ठीक है सॉरी uh, ये स्वीट्स प्लेयर है या सो वन ऑफ दी स्वीट्स एंड बिरयानी प्लेयर है जिसके लिए हमने ये लिया है hmm. uh, और अगर आप देखेंगे तो इनके पास आठ कैटेगरीज मिसिंग है जो उस एरिया के जो लोग हैं hmm. उस एरिया के जो पार्टनर्स हैं रेस्टोरेंट पार्टनर्स हैं वो सर्व कर रहे हैं और कस्टमर खा भी रहे हैं तो हमने एक्चुअली फाइनली मुद्दे की बात ये है कि हमने बोला है कि अगर आप ये ये कैटेगरीज ऐड कर देते हो जैसे uh, बर्फी Uh, क्या क्या चटनीज आप देते हो राइट uh, पोंगल वगैरह, ये चेन्नई का एग्जाम्पल है तो ये स्पेसिफिकली वहां का ही है ये सब अगर आप एड करोगे तो आपका कन्वर्जन बढ़ेगा नीचे जाओ हाँ तो हमने क्लियरली बोल दिया कि आपका सत्रह टका सेल आपके अराउंड जो रेस्टोरेंट है सत्रह टका सेल इन कैटेगरी से हो रहा है ठीक है इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अगर डालोगे तो आपका सत्रह टका सेल बढ़ जाएगा बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका कंपटीशन सत्रह टका धंधा इन कैटेगरी से बना रहा है तो अब आपकी चॉइस ये है कि आप ये डालना चाहते हो या नहीं ठीक है सेम uh, चीज मैं वो आइटम साइड पे भी देखूं तो वो हर कैटेगरी uh, के लिए बता देगा कौन कौन सा आइटम नहीं तो इस केस में मैं हमने देखा था कि इनका आइटम स्कोर अच्छा है जो कैटेगरीज है उनमें उनका नाइनटी का स्कोर था करेक्ट तो इनका रिकमेंडेशन इसलिए छोटा सा आया है कि बिरयानी में अगर आप मशरूम बिरयानी भी डाल देते हो तो आपका मेन्यू इवन बेटर हो जाएगा इस तरह इसको पढ़ना है इस पूरे डैशबोर्ड को तो जब आपको ये डैशबोर्ड मिलेगा मैं ये बोलूंगा कि यही मुद्दे की बात है ये आपको समझ में आता है राइट एज एज फूड ऑन्टरप्रनर आपको Absolutely. ये समझ में आता है कि क्या डालना है मुझे आइटम में ताकि लोग खाएं और मेरा धंधा बढ़े yes. तो ये है Uh, This is Matt, amazing. This is superb. हम 200 300 पे पहुंचाना चाहते हैं हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज चुनी है और हमने आपको बताया कि कितना टक का धंधा आ रहा है अगर कोई एक आइटम आपके कंपटीशन ने डाला है और उनका धंधा ही नहीं आ रहा है तो वो इसमें दिखेगा ही नहीं आपको ठीक है ताकि आप फालतू में उसको एड करके अपना खर्चा ना बढ़ाए राइट right, राइट right. एक इमेजेस डिस्क्रिप्शन uh, images, descriptions पे भी एक बार जाके हम देख सकते हैं hmm. So guys, if you are loving this, Zoom पे अगर हो तो रेज हैंड कर सकते हो और अगर YouTube या किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो तो लाइक बटन होगा दबा दो और आप चाहते हो क्या ऐसे और सेशन भी हो तो मुझे कमेंट करके बताना ठीक है Zoom पे uh, the chats are off uh, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो क्योंकि there are so many people right now watching. थोड़ा सा डेटा से स्टार्ट करते हैं बट हम फिर फाइनली मुद्दे पे आ जाएंगे की करना क्या है राइट तो डेटा इनका ये है कि इनके सौ आइटम है तो उनपे बाईस बाईस टक्के पे डिस्क्रिप्ट बाइस आइटम पे डिस्क्रिप्शन डाले हुए हैं ठीक है उनतालीस रफली पचास आधे आइटम पे इन्होंने इमेजेस डाले हैं बट ये इंपॉर्टेंट है कि जब कस्टमर आते हैं ना तो कोई भी आइटम पे इमेजेस से काम नहीं चलेगा कस्टमर को ज्यादा इंफॉर्मेशन किस टाइप के आइटम्स पे चाहिए जहां पे आइटम थोड़ा अनफमिलियर हो तो अगर आप मसाला डोसा बोल रहे हैं तो सबको पता है कि मसाला डोसा कैसा दिखेगा राइट right? बट अगर आप आप अपना कोई स्पेशल डोसा बोल रहे हैं तो कस्टमर को वो दिखना चाहिए तो अनफमिलियर जो आइटम होते हैं उस पर कस्टमर को ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कॉम्बोज होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्बोज में पूरा वो दिखना चाहिए कि ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा okay. अगर मैं बिरयानी का लूं, तो एट कस्टमर को ये भी चाहिए कि तीन पीसेस चिकन के आएंगे या छह पीसेस चिकन के आएंगे वो भी इमेज पे दिखना चाहिए डिस्क्रिप्शन में दिखना चाहिए तो कुछ कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा जरूरी होता है इमेजेस और डिस्क्रिप्शन होना और इनके लिए हमने यही किया है ठीक है तो अगर आप देखेंगे मिनी मिल एक आइटम का नाम है मिनी मिल उसपे इमेज ही नहीं है बट मिनी मिल इतना समझ में नहीं आता ना मिनी मील इतना कॉमन चीज नहीं है तो मुझे अब इमेज पे देखना है कि मिनी मील में क्या क्या आएगा और सेम चीज डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिनी मील दिखेगा तो मुझे आपसे ये समझना है कि मिनी मील का मतलब क्या है इसके साथ दो रोटी एक करी एक दाल क्या आने वाला है जब तक आप बताओगे नहीं वो कस्टमर खरीदेगा नहीं आपसे क्योंकि उसे नहीं पता मिनी मील का क्या मतलब हुआ राइट तो ऐसे ही करके हमने ये बताया कि अगर आप इन इन आइटम्स पे इमेजेस और डिस्क्रिप्शन डालोगे तो आपका बेटर रहेगा और हमने ये भी बताया कि द वे आपसे जो कंपटीशन कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स राइट वो मिनिमम 80 परसेंट आइटम्स पे इमेजेस डालते हैं 60 परसेंट पे डिस्क्रिप्शन डालते हैं राइट आपका खुद का नंबर था 49 परसेंट और कुछ 30 परसेंट टाइप्स राइट तो यहाँ पे ये रेस्टोरेंट बेटर कर सकता है

Command plus, control plus, तो वो थोड़े बड़े दिखेंगे क्योंकि कुछ लिए के लिए शायद मोबाइल में देख रहे हो तो छोटा दिख सकता है better. Better. जी, continue, मैं yes. बस एक और इस कम्युनिटी इस right? mm -hmm. में एडोन के बारे में सबको पता होगा राइट right? बिल्कुल uh, कि एक कर लिया बट उसके साथ कुछ तो पीने का कुछ छोटा सा डेजर्ट या कुछ चाहिए राइट तो इस रेस्टोरेंट में आइटम्स बहुत अच्छे हैं राइट right? 95 उनका स्कोर था आइटम्स पे तो आइटम्स आ रहे हैं प्रॉब्लम है ऐड ऑनस उन्होंने नहीं डाले हैं राइट right? hmm. तो इनके 101 आइटम में से इन्होंने एक आइटम पे ऐड ऑन डाला है राइट right? hmm. और वो काम नहीं करता तो बिरयानी का ये जो एग्जांपल है इसमें आपको दिखेगा और ये काफी इंट्यूटिव है राइट right? कि मतलब कस्टमर को बिरयानी ऑर्डर किया तो साथ में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक रायता राइट कुछ-कुछ ये सब चाहिए बट मैं यही बोल रहा हूँ कि जब हम सोचते हैं इसके बारे में तो ऐसा लगता है कि हाँ हाँ ये तो होना ही चाहिए बट बहुत सारे रेस्टोरेंट है हमारे प्लेटफॉर्म पे जो ये फॉर वट एवर रीजन नहीं डालते हैं एंड इस केस में कस्टमर इज नॉट हैप्पी इनफ टू ऑर्डर फ्रॉम यू तो हमने फिर इसमें अगेन मुद्दे की बात यह है कि हम बताते हैं कि ये आइटम है इन पे आप ये ये ऑन डालिए ठीक है थीके? अगर मसाला डोसा है तो आप डालिए एक्स्ट्रा चटनी एक्स्ट्रा सांबर राइट पनीर बटर मसाला है तो उसके साथ एक वहीं पे ऑप्शन डाल दीजिए राइट कई बार करी सेलेक्ट करते हैं राइट और कस्टमर फिर खोजते रहते हैं बट अगर आप वहीं पे डाल दोगे कि इसके साथ ब्रेड ऑर्डर कर लो तो वहीं पे आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ गया राइट तो ऐसे करके हमने ये दिया है टोटली मेक सेंस तो ये मैंने एक, एक, एक एक का एग्जाम्पल दिया बट जब आप आ, स्विगी प्लेटफॉर्म पे हो तो आप अगर अपना रेस्टोरेंट आई डालोगे ये एग्जैक्टली right. exactly आपके लिए क्या है वो आएगा हम किसी और रेस्टोरेंट का जनरल रिकमेंडेशन आपको नहीं बताएंगे हम आपको आपके रेस्टोरेंट के लिए बताएंगे कि क्या चाहिए आपके एरिया आपके कस्टमर्स आ, का डेटा देखते हुए मेक सेंस ब्यूटीफुल या सो शुड वी

पार्टनर्स को आउट कर सके हम डायरेक्टली भी आउट करते हैं वगैरह सब भेजते हैं। बट है आ... है, 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 वहां पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर आप आ, ओनर ऐप पार्टनर ऐप यूज करते हैं तो वहां पे भी अभी आपको एक हफ्ते के अंदर एक लर्निंग स्टेशन बोल के दिखेगा जैसे ये लर्निंग सेशन ही है हमारे सबके लिए तो वो लर्निंग स्टेशन पे भी आपको ये सारा दिखेगा और सिर्फ मेन्यू नहीं बहुत सारी चीजें दिखेंगी कि आप मेन्यू पे क्या कर सकते हो आप फूड प्रिपरेशन के टाइम क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जब डिलीवरी बॉय के लिए हैंड करो तब क्या क्या आपको होना चाहिए तो ये हम यूट्यूब में पार्टनर चैनल जो है वो आप वहां पे जाके आप ये सब देख सकते हैं आप अपने ओनर ऐप पार्टनर ऐप पे भी लर्निंग स्टेशन पे भी ये देख सकते हैं तो आई जस्ट वॉन्टेड टू से ये एक और माध्यम हमने चुना है

आर यू एक्साइटेड फॉर द गिफ्ट ओके सो कितने लोग जो डैशबोर्ड हमने दिखाया वो एक्सेस करना चाहेंगे हैंड ऑन जूम और यूट्यूब uh, पे हो या किसी और प्लेटफॉर्म पे हो तो लिखो yes, ये लाइक like बटन दबा दो ओके सो हेयर इज द ई मेल आई डी टीम कैन वी हैव दईडी ऑन द स्क्रीन ई मेल आई डी दीपक जी आपकी टीम ईमेल आई डी शेयर कर सकती है क्या और इन द चैट सो आपको करना क्या है दीपक जी एक बार एक्सप्लेन कर दें ईमेल क्या करना है एग्जैक्टली exactly? जो ऑलरेडी स्विगी पे लिस्ट हो चुके हैं उन लोगों के लिए या सो यस दीपक जी सॉरी आई थिंक मेरे हाँ सॉरी मेरे नेटवर्क पे थोड़ा सा इश्यू था सो नो प्रॉब्लम जो गए तो और क्या मेल करेंगे जो ऑलरेडी स्विगी पार्टनर है मतलब स्विगी पे आप लिस्ट कर चुके हो अगर तो आपको क्या मेल करना है तो आपके पास डैशबोर्ड अवेलेबल हो जाएगा जिसपे आप जाकर देख पाओगे क्योंकि मुझे कौन से मेन्यू आइटम्स और ऐड करने की जरूरत है ये गुड मेन्यू है या स्टिल कुछ कमियां हैं जिसको हम इम्प्रूव करके ऑर्गेनिकली ग्रो करें बिल्कुल 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 सो आई थिंक बहुत सारे पार्टनर्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं ये बाय द वे हमने सारे पार्टनर्स के लिए एक्सेस फ्री रखा है uh, बहुत सारे पार्टनर्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं ऐसा हो सकता है कि आपने ई मेल्स uh, या हमने काफ़ी व्हाट्सएप मैसेजेस भी भेजे भी हो सकता है मिस कर दिया हो तो हम लोग uh, एक पार्टनर इन साइट एट स्विगी डॉट इन ई मेल है जो अभी मेरे टीम मेंबर ने पोस्ट किया है uh, ये हमने आपके लिए एक चैनल रखा है कि आप सीधा हमें रीच आउट करो और हम आपको हेल्प करेंगे Uh, इसको एक्सेस करने में और देखने में कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है और ये बाय द वे सिर्फ मेन्यू के लिए भी नहीं है और भी जो मैंने बताया था ऑर्गेनिक लीवर्स हैं वो इसी ईमेल uh, आई पे अगर आप लिखोगे तो आप ये सब कुछ एक्स कर पाओगे तो हम बहुत कुछ बताते हैं कि आपके आउटलेट की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है राइट right? आप जो डिस्काउंटिंग uh, या एड्स करते हैं स्विगी पे उनकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है राइट right? ओवरऑल आपका धंधा कैसा चल रहा है तो ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल है मेन्यू इसका एक पार्ट है आ, तो आप प्लीज लिखिए पार्टनर इन पे एंड हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी टू तो हेल्प यू गेट होल्ड ऑफ दिस डेटा परफेक्ट और ईमेल पे एग्जैक्टली exactly कुछ मेंशन करना है स्पेसिफिकली आप बस एक लाइन लिख दीजिए कि मुझे मेन्यू डैशबोर्ड या फिर मुझे जितने भी डैशबोर्ड है उनका एक्सेस चाहिए एकसेस। उतना काफी है

सो so, इस लिंक पे जाके आप रजिस्टर कर लो ये दो घंटे का एक डिटेल अलग से सेशन हम कर रहे हैं इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं एंड यू कैन मीट नी एंड एंड विल सी यू